घेरा डालो डेरा डालो, महापड़ाव में पहुंचेंगे हजारों की संख्या में आशा वर्कर। आगामी 16 जुलाई को करनाल में आशा वर्कर यूनियन की ओर से मांगे न माने जाने के विरोध में घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव होगा। महापड़ाव में कोचली क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में आशा वर्कर भाग लेंगे। आज कोचली में प्रदर्शन कर आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान सुनीता देवी ने आशा वर्करों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय लेकर उनके हितों के साथ कुठाराघात कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार में 5 बार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को उनकी जायज मांगे मानने की बात स्वीकार की थी, लेकिन आज तक सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लिहाजा आज आशा वर्करों को मजबूरन विरोध में उतरना पड़ेगा। उन्होंने आज सभी आशा वर्करों को 16 जुलाई को करनाल में डेरा डालो महापड़ाव में पहुंचने की अपील की। अपना प्रदर्शन जारी कर रखा है सरकार, हमारी बार बात बात पे हमारे प्रदर्शन को रोक देते हैं कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आपको 4,000 वेतन सभी पर लागू हो जाएगा। हर महीने का जो 1,000 से उससे 3,000 बढ़ा के 4,000 किया था, लेकिन सरकार वो बातें नहीं मान रही। इसके लिए अगर सरकार बार बार ऐसी झूठी तसल्ली देती रहेगी, नोटिफिकेशन नहीं देगी, तो हम घेरा डालो और डेरा डालो 16 तारीख को करनाल को सभी आशा वर्कर जाएंगे और महापड़ाव धरना प्रदर्शन करेंगे, महापड़ाव डालेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं आएंगे। आंदोलन चल रहा है और सरकार हमारी कोई भी मांग को मंजूर नहीं कर रही है, और 16-17 तारीख को हमारा करनाल में पड़ाव है, और अगर इनके बार भी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो आगे भी ये धरना चलता रहेगा। 16-17 जुलाई का हमारा आंदोलन है, जो घेरा डालो डेरा डालो पड़ाव है करनाल सीएम हाउस पे, और उस पे अगर सरकार हमारा नहीं मानती है तो जो हमारी स्टेट कमेटी फैसला देगी, अभी हमें बताया नहीं है कि हमारी स्टेट कमेटी क्या फैसला देगी। जो फैसला होगा हमारे पूरे हरियाणा के आशा वर्कर को मंजूर होगा, और इसमें सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार की आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी, हम वहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे करनाल में हमें कितने भी दिन रहना पड़े। ये सीएम को हम झुका देंगे कि आशा वर्कर भी कोई कार्यकर्ता है, सभी का आज तक नोटिफिकेशन हो गया है, जिनकी जिनकी हड़तालें चली थी, क्या आशा वर्कर का ही एक नोटिफिकेशन करने में इतनी देरी लग रही है? ये हमें मंजूर नहीं है।